नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें तो सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। जी हां, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत का हो गई है। तो आज सावन का पहला सोमवार है। सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। 72 साल बाद सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु मन रहे हैं। आपको बता दें कि शिवालयों में जलाभिषेक कर भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। तो बता दें शिवालयों में जलाभिषेक पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज से देश भर से कांवड़ लेकर कांवड़िए जो हैं वो जाएंगे। तो सावन के पवित्र महीने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है आज से, और सावन के महीने का पहला सोमवार है। आज शिव भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के रूप में उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें आज से देश भर से कांवड़ लेकर कांवड़िए जो है वो आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सावन का पहला सोमवार, शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें सावन का ये पहला सोमवार है। मंदिरों में भी भक्ति का एक अलग ही जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। शिमला से संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, सावन का महीना बेहद पवित्र महीना जो है वो शुरू हो चुका है और आज पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है और कितना उत्साह और भक्ति जो है वो देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं में? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश के समेत तमाम देश भर में आज जो है सावन का पहला सोमवार है। और सोमवार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देवादिदेव महादेव को जो है समर्पित है। और इसी की आपको स्थिति परिस्थिति में आज शिमला के एक खास मंदिर से दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर शिवालय में जो लोग हैं वो सुबह से पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अपने आराध्य देव महादेव की जो है वो स्तुति कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश समेत तमाम जगहों पर वैसे भी महादेव का महत्व अधिक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश को देव भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर आपको चप्पे पर मंदिर नजर आएंगी और मान्यताएं भी यहाँ पर हर मंदिर से जुड़ी हुई है। और ऐसे में जो सुबह सुबह यहाँ पर लोग दर्शनार्थी पहुंचे हुए हैं और महादेव और पार्वती के जो है दर्शन कर रहे हैं। देखिए सोमवार अभी पहला सोमवार है और ऐसे में अब क्योंकि सुबह का वक्त है और पहाड़ों पर जो सुबह है वो थोड़ी देरी से होती है, तो ऐसे में दोपहर आते आते यहाँ की जो भीड़ है ये भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। लोग यहाँ पर जो है दर्शन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो है महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं, उनसे भोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम चीजें, इसके अलावा यहाँ पर पाठ का भी जो है कार्यक्रम हो रहा है। सुबह से यहाँ पर जो है पाठ रखा गया है ताकि जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर एक तरह से मंगल कामना की जाए। और पूरे देश में क्योंकि हमेशा जो भारत है उसने विश्व कल्याण की ही कामना की है और यहाँ पर जो है व्यास जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है सोमवार का। व्यास जी, सबसे पहले आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि यहाँ पर अभी ये जो है कार्यक्रम में अभी जो है पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे में यह अखंड पाठ यहाँ पर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों के लिए ही, कल्याण के लिए ही कामना की जा रही है। और प्रत्येक मंदिर में यही स्थिति बनी हुई है। हर मंदिर में जो है लोग अपने अपने स्तर पर भगवान महादेव को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। और ये क्योंकि आपने बताया कि 72 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है कि 5 सोमवार इस बार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर जो ये भक्ति का जो सैलाब है, भक्ति का जो उत्साह है, ये भी आने वाले पूरे सावन में हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी अंजलि, बिल्कुल रॉबिन, और भक्तगण जो पहुंच रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि सावन के महीने में जो सोमवार पड़ते हैं उसमें व्रत का बेहद महत्व होता है। भक्तों से भी आपकी, श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं उनसे भी आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहा जाता है कि जो महीना है शिव को इतना ज्यादा प्रिय होता है कि इस महीने में पड़ने वाले जो सोमवार है उन पर, उनके लिए व्रत रखने से जो होता है वो पूरे साल के सोमवार का जो फल है वो मिल जाता है। तो भक्तों से आपकी बात हुई होगी, कैसा कितना उत्साह जो है आज के दिन के लिए और इस महीने के लिए?
देखिए महादेव को की बात है और महादेव को लोग यूं ही तो भोले बाबा कहते हैं, भगवान शिव को वत्सल कहा जाता है, तो ऐसे में उनकी जो कृपा है वो भी भक्तों पर आसानी से होती है ऐसा माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो है व्रत भी सुबह से ले, क्योंकि आज से श्रावण मास के जो व्रत है वो भी शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक सोमवार को जो लोग हैं वो व्रत रखते हैं, श्रद्धानुसार अपने स्तर पर लोग व्रत रखते हैं, कई एक सोमवार तो कुछ लोग जो है पूरे श्रावण मास में जो है वो व्रत करते हैं। तो देखिए व्रतों का भी महत्व है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी बताया जाता है कि श्रावण मास में जिस तरह से क्योंकि बारिशों का मौसम रहता है और ऐसे में जो बारिश जनित जो बीमारियां हैं वो भी जो है फैलने का कारण रहता है। लेकिन अगर आप व्रत और दूसरी चीजें करते हैं तो इससे ना केवल यहाँ पर जो मंदिर है आपको एक भक्ति का एहसास होता है, इसके अलावा जो स्वास्थ्य है उसकी दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण जो है वक्त माना जाता है। तो ऐसे में ना केवल जो व्रत है उनका महत्व धार्मिक है बल्कि इसका जो आयुर्वेद और जो हमारी जो भारतीय जो स्वास्थ्य पद्धति है या फिर हमारी जो पद्धति है जिसमें हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहते हैं, चरक संहिता जैसी तमाम जो चीजें हैं वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलती हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं उनको धार्मिक पहलुओं से जोड़ा जाता है। और यही कारण है कि सोमवार का महत्व ही श्रावण मास में बेहद खास है और शिवालयों में भी सुबह से लेकर भीड़ नजर आ रही है, जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा के हिमाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में खासतौर पर जो मंदिर है वो पौराणिक है, तो ऐसे में यहाँ पर जो स्थिति कमोबेश अलग रहती है, यहाँ जलाभिषेक से ज्यादा दूसरी चीजों पर ध्यान रहता है क्योंकि ज्यादातर मंदिर यहाँ पे पौराणिक है और जो स्थानीय देवता है उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जो है लोग जो है सुबह से मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रॉबिन, बने रहिए आप हमारे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमारे संवाददाता में दे रहे हैं। और फिलहाल भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है मंदिरों में और दूर दूर से भक्तगण जो है वो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। आपको बता दें कि सावन का ये सोमवार बेहद महत्वपूर्ण होता है, सावन के महीने में पड़ने वाले ये जो सोमवार है और इस बार पांच सोमवार सावन के इस महीने में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसका बेहद महत्व माना गया है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, तो आज तीन नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ, नवनिर्वाचित विधायक विधायक सदस्यता की शपथ लेंगे, उपचुनाव के बाद जीत कर आए तीन विधायक लेंगे शपथ। देहरा से सीएम सुखू की धर्मपत्नी लेंगी शपथ, हमीरपुर से बीजेपी के टिकट पर जीते आशीष शर्मा शपथ लेंगे, नालागढ़ से कांग्रेस के बाबा हरदीप सिंह लेंगे शपथ, तो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पद की शपथ दिलाएंगे, मुख्यमंत्री समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहेंगे। तो शिमला विधानसभा परिसर में होगा कार्यक्रम, सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो लगातार आज हम बात कर रहे हैं कि नवनिर्वाचित जो विधायक हैं तीनों विधायक वो आज शपथ लेंगे और रॉबिन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, शपथ ग्रहण को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज का दिन बेहद अलग है और खास है और आज जो है एक नया इतिहास बनते हुए हिमाचल प्रदेश देखेगा। 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक उठापटक हुई उसके बाद से अब जाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का स्वरूप पूरा होगा और तमाम जो विधायक है वो अब विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कुछ सीटें जो है खाली चल रही थी। पहले 6 कांग्रेस विधायकों की दल बदल के बाद और उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद, लेकिन आज जो स्थिति उभर कर सामने आएगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल के इतिहास में और शायद देश के इतिहास में भी कई कुछ जगह पर ऐसा पहली बार होगा कि पति पत्नी पहली बार एक विधानसभा में होंगे और पति जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा पत्नी भी यहाँ पर विधायक के तौर पर आज जो है शपथ लेंगी, क्योंकि देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर एक बड़े मार्जिन के साथ जीतकर जो है वो विधानसभा पहुंची है और आज उनका जो है शपथ ग्रहण होगा। इसके अलावा आपने बताया कि हमीरपुर से जो भाजपा के टिकट पर अब जाकर आशीष शर्मा जीत कर आए हैं वो भी आज शपथ लेंगे, इससे पहले उन्होंने विधानसभा 2022 के चुनाव में
एक उम्मीदवार प्रत्याशी के तौर पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि इस्तीफे के बाद तीन निर्दलीय विधायकों में वो अकेले निर्दलीय विधायक है जो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए और अब वो जीतकर जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं और आज कुलदीप सिंह पठानिया उन्हें भी पद की शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा केएल ठाकुर को हराकर नालागढ़ से बाबा हरदीप सिंह भी आज जीतकर जो है विधानसभा पहुंच गए हैं, वो भी आज शपथ लेंगे। तो देखिए तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब विधानसभा की जो स्थिति है, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, दोनों ओर जो है अब जो है जो संख्याएं है वो निश्चित हो गई है और शायद पहली बार ऐसा है कि एक भी निर्दलीय विधायक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब नहीं है, या तो कांग्रेस के पक्ष में है या फिर भाजपा के पक्ष में है और इसके अलावा कोई तीसरे दल का भी यहाँ पर कोई विधायक नहीं है। तो ऐसे में जी कांग्रेस बनाम भाजपा विधानसभा के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है और आज जो है कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा परिसर में इनको शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम गणमान्य भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में एक बड़ी तस्वीर आज विधानसभा से हिमाचल प्रदेश की सामने आएगी। जी अंजलि, भले ही रॉबिन, अब जो ये पूरा घटनाक्रम फरवरी से शुरू हुआ, लगातार राज्य कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी बीजेपी की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम जो है वो कांग्रेस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। हालांकि इन उपचुनावों ने ये तो साफ कर दिया कि राज्य सरकार स्थिर है, कोई खतरे के बादल नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं डैमेज जरूर किया है कांग्रेस के लिए। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसको कई पहलुओं में अलग रूप से देखा जाता है और हिमाचल प्रदेश का जो मतदाता है उसे यहाँ पर एक एजुकेटेड मतदाता के तौर पर देखा जाता है और यही वजह है कि दल बदल करने वाले ज्यादातर जो विधायक हैं वो अपना चुनाव हारे हैं और केवल दो कांग्रेसी विधायक, इसमें एक सुधीर शर्मा और इसके अलावा लखनपाल, और एक निर्दलीय विधायक जो इस्तीफा देकर फिर दोबारा जीत कर आए हैं आशीष शर्मा, सिर्फ तीन ऐसे लोग हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। इसके बाद ज्यादातर जो अभी स्थिति हिमाचल प्रदेश में है कि सरकार जो है स्थिर है और लगभग अपने 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करती हुई नजर आएगी। हालांकि भाजपा लगातार दावे कर रही है कि अभी जो सरकार की स्थिरता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो सीपीएस का मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसे में कभी भी सरकार जो है वो डगमगा सकती है। हालांकि दूसरी ओर सरकार कह रही है कि भाजपा ने जो दल बदल का यहाँ पर प्रयोग किया, जो विधायकों को खरीदने की जो कवायद की और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, उसमें भाजपा पूरी तरह से असफल रही। भाजपा सरकार के तमाम बड़े नेता, जिसमें नेता जो इसके अलावा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम लोग भाजपा पर लगातार हमलावर हैं और भाजपा को मिशन लोटस फेल होने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसका समय खराब करने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का लगातार आरोप है कि भाजपा ने यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश नहीं की, लेकिन कांग्रेस अपने ही बल से जो है सरकार गिरती हुई नजर आई। लेकिन अब जो स्थिति स्पष्ट हो गई है, हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार 40 के आंकड़े पर जो है कांग्रेस पहुंच गई है, लेकिन इसमें भाजपा के कुछ विधायक जरूर बढ़े हैं और निर्दलीय जो तीन थे अब वो निर्दलियों की स्थिति हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब नहीं है। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। उधर हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग ने रिजल्ट में देरी को लेकर नाराज चल रहे जेओए आईटी पोस्ट कार्ड 817 के अभ्यर्थियों ने दरअसल हमीरपुर में स्थित आयोग के दफ्तर के बाहर तंबू गाड़कर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता वे प्रतिदिन कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनकी नाराजगी है कि पिछले काफी समय से रिजल्ट को लेकर बेवजह देरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने यहां तक पहुंचकर जल्द परिणाम घोषित करने की मांग उठाई। मेरा नाम रचना है और सर हम 4 साल से वेट कर रहे हैं। 2021 में सर हमने एग्जाम दिया था, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया सर। सर गवर्नमेंट हमारा पहले बेवकूफ बनाती है, फिर ये कमीशन वाले हमारा बेवकूफ बनाते हैं, कभी कोर्ट केस फंसा देते सर। तो सर अब हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द निकला जाए, हमारा रिजल्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाला जाए, बाकी हमारी कोई वो नहीं है। हमारा रिजल्ट निकाला जाए, अभी डॉक्यूमेंटेशन हुए कम्प्लीट, 31 मई को कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी लगभग 2 महीने हमारे होने वाले पर अभी तक इनसे रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। पहले कमीशन के चेयरमैन ने बोला था कि 30 जून तक आ जाएगा, 30 जून के बाद इन्होंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट में कमियां पाई गई, उसकी वजह से
प्रॉपरली हम चेक कर रहे हैं, तो 15 जून तक जो जितेंद्र छांस्टा जी ने जो सचिव बहन गए उन्होंने बोला था, अब 15 भी हो गई, उसके बाद 16-17 हो गई, आज देखो 20 तारीख हो गई, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।